Yes, we are live now. Hello, friends. This is Imanchi, and welcome to Let's Learn Discuss Karenge. सेशन एट्थ होगा आपके साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है यहां से आपको कई क्वेश्चन पहले अगर हम देखें प्रीवियस ईयर में उठा करके तो आपको कई सारे टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तरीका वही रहेगा पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे और एक बेहतर वे में बीच बीच में क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जहां एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके टॉपिक्स को लेकर के तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा क्योंकि भाई मजा इंपॉर्टेंट है सीखने में ना जॉय इज इंपॉर्टेंट तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत यू फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे लाइक like, शेयर आप कर सकते हैं अगर आपने ना किया हो अभी तक और इससे पहले कि अगर ये सेशन पूरी जो सीरीज है ये ईवीएस पेडोगॉलॉजी सॉरी पैडागॉजी नहीं कंटेंट प्लस पैडागॉजी एनसीईआरटी की समरी और जो पेडागॉजी सेक्शन रहेगा वो भी डील कर लेंगे हम लोग तो ये पूरा थर्टी मार्क्स की तैयारी है आपकी तो स्टार्ट करेंगे और समझते हैं थोड़ा सा कुछ नई चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ना किया हो तो आप करेंगे इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं और आज की कहानी शुरू करेंगे डेड सी से जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो हम बना लेंगे है ना तो स्टार्ट करते हैं आ, बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही है जी बहुत सही चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रंदर में पांच केस हाँ ये सुनने को मिला है आज मम्मी बता रही थी खैर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते इसमें स्टार्ट करते हैं ध्यान रखिए आप लोग सेफ रहिए तो अगर हम बात कर बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर करके एक आपका चैप्टर है और अगर मैं बात करूं तो पानी के साथ एक्सपेरिमेंट बात हुई है ऑल ओशियंस एंड सीज जो सागर और महासागर हैं समुद्र और महासागर जिनकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली हैव सॉल्टी वाटर इनका जो पानी है नमकीन होगा ऐसे <laughs> गाने बना करते थे पहले है ना तो हाँ तो कह सकते हैं भाई इनका जो पानी है ओशियंस और सीज का जो समुद्र है सागर है उनका पानी कैसा होगा नमकीन होगा और द सॉल्टीएस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी और सबसे ज्यादा जो नमकीन पानी पाया जाएगा खारा कह सकते हैं आप इसको है ना सलीन कह सकते हैं तो ये कहाँ पर पाया जाएगा ये डेड सी में ठीक डेड सी मृत सागर कहेंगे इसको हिंदी में ठीक है बात मृत सागर कहेंगे यहां से सब कुछ क्लियर है मृत सागर क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे बेसिकली इसकी डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है बेसिकली जो नमक की क्वांटिटी है सॉल्टी वाटर इतना ज्यादा है कि 300 ग्राम एक लीटर में मतलब थर्टी टू थर्टी परसेंट तक जो सेलिडिटी है वो चली जाती है मतलब जो खारापन है जो नमकीन होना है इसका डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है मतलब इतने क्लोज हो जाते हैं जो कॉन्टेंट है इसके अंदर के कि अगर कोई गिरेगा तो डूबेगा नहीं ठीक और इसी कारणवश इतना ज्यादा सॉल्टी होने की वजह से इसमें जो फिश हैं या बाकी के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो रहते हैं पानी में वो रह नहीं पाते हैं बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होती है जो सरवाइव करती है ज्यादातर चीजें जैसे फिश वगैरह इसमें नहीं पाई जाएंगी क्लियर हुई बात आगे बढ़ेंगे हाँ 330% और 30 टू 35% परसेंट जो है वो लोएस्ट रहती है मतलब अगर कम गई तो 30 टू 35% परसेंट चली जाएगी ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम बात करें यही बात हमने अभी डिस्कस की थी सॉल्ट इन वन लीटर एक लीटर पानी में अराउंड 300 ग्राम पानी मतलब सॉरी नमक तो अपने आप में क्या हुआ भयंकर तरीके से सॉल्टी हुआ नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो है वो डूबेगा नहीं क्यों नहीं डूबेगा क्योंकि जो सॉल्ट की क्वांटिटी है या डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप जाएंगे तो आप तैर सकते हैं इस तरीके से और डूबेंगे नहीं आप बिना कुछ बिना किसी एक पैरा वो जो भी पानी में यूज करते हैं हम लोग तो बिना किसी जैकेट वैकेट के बिना किसी मतलब किसी भी चीज के कोई आपको बोट वोट नहीं लेके जानी है है ना ऐसे ही बच जाओगे ऐसे तैर के आ जाना अमीन हक बहुत बढ़िया ठीक द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिल्कुल जो सरफेस है जो सतह है पानी की उस पर जो व्यक्ति है वो तैर जाएगा डूबेगा नहीं ठीक क्लियर बात हुई यहां तक की एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल बिल्कुल ये जॉर्डन और इधर इजराइल के बीच में जॉर्डन ईस्ट ऑफ जॉर्डन में और इजराइल के अगर नीचे साउथ की तरफ आएंगे तो ये वेस्ट में पड़ेगा जो ये है आपका डेड सी इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं ये डेड सी है जो जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी पाया जाएगा सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी और जिसके कारणवश जो व्यक्ति है वो डूबेगा नहीं तीन सौ ग्राम जो है नमक मिलेगा एक लीटर में और ये सारी कहानी है ठीक क्लियर हुई बात बिल्कुल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है पहले से व्हाट इज डेड सी मृत सागर क्या है सी हूज वाटर इज पॉइजनस ऐसा पानी है जिसका जो पानी है वो जहरीला है इसलिए इसको मृत सागर कहते हैं या फिर बी ऑप्शन आ सी विच इज सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सीज एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है नमकीन है ये कह सकते हैं ठीक इसके अलावा अगर हम बात करें नहीं फिश वगैरह नहीं पाई जाएंगी जो कुछ आपके बैक्टीरिया है फंगी है इस तरीके के कुछ कुछ चीजें पाई जाएंगी बस आ सी इन विच हाई एंड लो टाइट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट बहुत उच्च और निम्न जो ज्वार है टाइट्स हैं वो आती रहती हैं या फिर आ सी इन विच इट इज डेंजरस टू सेल शिप्स बताइए बिल्कुल विच सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशियंस एंड सी एक समुद्र जो सभी महासागरों में समुद्र में सबसे ज्यादा नमकीन है खारा है है ना सोल्टीएस्ट है क्लियर हुई बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मतलब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज मतलब मच्छरों के लिए एक ट्रीट ये एक चैप्टर है जो मलेरिया के बारे में है ज्यादातर और मलेरिया uh, के बारे में कैसे पता लगाया रोनाल्ड रॉस ने और कैसे इसकी दवा बनती है ये मेन मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के तो पहला पॉइंट क्या है इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स मतलब कि ठंड से एकदम कप कपात कप कपी बंधती है आपकी मलेरिया हुआ होगा तो आपको कभी तो एकदम ठंड लगेगी और बहुत ही तेजी से आपकी बॉडी हीट होगी और फीवर होगा ठंड के साथ तो ये क्या है एक लक्षण हुआ किसका मलेरिया का मेडिसिन फॉर मलेरिया जो दवा है जो बनती है मलेरिया के लिए बेसिकली बुखार है मलेरिया आप जानते ही सिनकोना ट्री से आई थिंक इसको पता नहीं कुकून कहेंगे या क्या कहेंगे हिंदी में तो एक बार बताना अगर किसी को याद हो तो ठीक है तो ये है अगर हम बात करें सिनकोना बार्क जो है छाल है सिनकोना पेड़ की बिल्कुल बहुत बढ़िया हाँ हिंदी वाले एक बार बताएंगे इसको क्या कहते हैं सिनकोना को हिंदी में ताकि जो लोग बाद में देखते हैं उनको भी सम... कुकून exactly बहुत बढ़िया जिन्होंने मेरा आंसर दिया कुकून कहेंगे इसको हिंदी में कुकून की जो छाल है यानी सिंकोना ट्री की जो बार्क है उससे इसकी दवा बनाई जाती है और पुराने टाइम में इसको पीस करके भी निकाला जाता था अब इनकी बात करेंगे रोनाल्ड रॉस की रोनाल्ड रॉस कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने मलेरिया का पता लगाया कि भाई ये मच्छर से होता है साइंटिस्ट इन्होंने जो एक मच्छर था उसके पेट में झांक करके ऐसे पूरा माइक्रोस्कोप लगा लगा करके देखा रोनाल्ड रॉस ने नाम क्या है इनका रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश मेडिकल स्कॉलर थे ठीक इन्होंने देखा और पाया ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट्स जब भी पहले किसी को मलेरिया होता होगा लोग सोचते थे कि भाई ये ना बुरी हवा की वजह से होता कहेंगे, कुकून कहेंगे जो भी वट एवर इट इज समझ जाया करो बात को जो बात है वो समझ में आनी चाहिए है ना बाकी तो आप ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर के कर सकते हैं कुनैन लिख लेना पेड़ को ना कुकून नहीं होगा ठीक ओके फाइन एग्जैक्टली चलो आगे बढ़ते हैं और uh, समझते हैं मलेरिया इज कॉज बाय अ वन सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड अ प्लाज्मोडियम भाई परजीवी कहते हैं हम फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से होगा विच लुक्स ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स ब्राउनिश तो दिखी रही है आपको स्पॉटेड विंग्स भी दिखी रहे होंगे ये रहे स्पॉटेड विंग्स तो ये किससे होगा बेसिकली ये फीमेल एनोफिलस मच्छर से होगा अपने आप में क्लियर बिल्कुल एक कोशिया एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है कहानी मलेरिया की मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताया गया है एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है ये है मलेरिया की मेडिसिन और बनेगी किससे सिंकोना बार्क से सिंकोना क्या है कुनैन आपने अभी बताया है ना कुनैन ठीक तो सिंकोना जो बार्क है कुनैन की जो छाल है बता दो एकदम करेक्ट कर दो अगर अभी भी गलत लिख दिया हो तो ठीक कुनैन की जो छाल है यानी सिंकोना ट्री का जो बार्क होता था उसको लोग क्या करते थे मलेरिया की दवा बनाने में इस्तेमाल करते थे अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क जो ये छाल थी ये जो बार्क थी इस एक ट्री की सिंकोना की उसको उबालते थे पानी में फिर उसके बाद स्ट्रेन करते थे पाउडर को और उसको पीते थे या यूज करते थे अब इसकी बनाई जाती हैं ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए तीन चार ऑप्शन दे देगा आपके सामने कि भाई ये, ये, ये चीज है मलेरिया के बारे में किसने पता किया तो रोनाल्ड रॉस ने पता किया कैसे बनता है तो ईलन मंत्रा बहुत बढ़िया कैसे बनता है तो आपकी सिंकोना बार्क ट्री से बनेगा मतलब सिंकोना ट्री के बार्क से बनेगा इसके अलावा पहले क्या होता था लोग इसको उबालते थे पानी में अब क्या होता है मेडिसिन

जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो हरी पत्तेदार सब्जी हैं इन सब में क्या पाया जाएगा आयरन पाया जाएगा और अगर आयरन की कमी आपके अंदर होती है जो कि मुझे हो गई थी लास्ट ईयर तो क्या होगा आप एनेमिक हो जाएंगे एनेमिया हो जाएगा आपको मतलब जो हीमोग्लोबिन है आपका वो भी जाएगा ठीक तो ये एक बेसिक बात हुई एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया पूरे देश भर से आप लोग देख रहे हैं लाइक शेयर आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं एनेमिया की बात कर रहे थे हम अभी कि भाई जो एनेमिया है खून की जो कमी है एक तरीके से आप में डेली स्कूल्स में क्या हुआ था 2007 की बात है एक रिपोर्ट दी हुई है एनसीईआरटी में जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पेपर में पूछ सकता है ठीक तो इवन आयरन पे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरन किस में पाया जाएगा तो आप बताएंगे भाई जैगरी में मतलब गुड़ में आंवला में और जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वहां पर ये पाया जाएगा आपका आयरन ठीक 17 नवंबर 2007 को 2007 में कई हजार बच्चों को जो कि एमसीडी के स्कूल्स में पढ़ रहे थे मुंसिपल कॉरपोरेशन के दिल्ली में उनको एनेमिया हो गया और इसकी वजह से एनेमिक एनेमिक होने की वजह से उनकी जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट हुई ऑब्वियसली ड्यू टू एनेमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल वो ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए ये तो बहुत ही भयंकर लक्षण है इसका एनर्जी लेवल डाउन होना दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे ऑब्वियसली जब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों प्रभावित हैं तो पढ़ेंगे कहां से नाउ हेल्थ चेकअप्स तो अब इससे क्या निकल करके आया आपको बताया जा रहा है कि भाई अब डेली के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट वहां पर भी हेल्थ चेकअप्स होते हैं कार्ड बनाए जाते हैं बच्चों के और उनको आयरन की टैबलेट्स भी दी जाती है इवन यूपी में भी आई थिंक मुझे जितना पता है दी जाती है टैबलेट्स बच्चों को आयरन की ठीक तो ये एक बेसिक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्लियर है बात बहुत बढ़िया आगे बढ़ जाएं आप इसी के साथ एग्जैक्टली exactly. एलगई इज अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड्स इन द रेनी सीजन मोस्टली ज्यादातर रेनी सीजन में बारिश के समय में मानसून में क्या होगा ये एलगई जो है बेसिकली ग्रीन कलर की जिसको काई कह देते हैं बहुत ही शुद्ध देसी भाषा में है ना ये ग्रीन दिखने वाली काई जो किसके ऊपर आ जाएगी पानी के ऊपर आ जाएगी कैसे सीजन में जो आपका बारिश या बरसात का सीजन है आपने ट्यूबवेल देखा होगा वहां पे भी जम जाती है कई बार ना? है ना पॉन्ड्स हैं या जो भी पानी जहां पर भी अवेलेबल है वहां एलगई जो है वो जमा हो जाती है बारिश के बारिश के मौसम में ठीक हमारे तालाब में भी है बहुत बढ़िया आप अपना तालाब सबको दिखाएं यहां फोटो भेजें आकाश ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है छोटी सी बात है फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेज लाइक स्टोमक प्रॉब्लम्स जो फ्लाइज होती हैं यानी कि जो मक्खियां कह सकते हैं हाउस फ्लाई जिसको कहते हैं हम इससे क्या होगा स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं आपने देखा होगा बड़े छोटे कई प्रकार की होती हैं ये भी तो इनसे क्या होगा स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी पेट से रिलेटेड आपकी समस्याएं होंगी क्यों क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैठेंगी फल पर बैठेंगी तो वहां गंदगी फैलाएंगी आप खाएंगे आप बीमार पड़ जाएंगे सिंपल सी बात हुई तो एलगे ये सॉरी फ्लाइज क्या है स्टमक प्रॉब्लम्स जनरेट करती हैं या कॉज करती हैं ठीक बहुत बढ़िया रूपेश जी बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ दो पॉइंट्स हैं बाय पुटिंग एलम इन वाटर एलम क्या है फिटकरी जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिटकरी के आप लोग सभी अवगत होंगे व्हाइट कलर की होती है अब ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि बना के बताऊं बाय पुटिंग एलम इन वाटर ऑल इट्स इम्प्योरिटी सेटल डाउन जो भी गंदगी होती है वो नीचे चली जाती है यदि आप फिटकरी डाल देते हैं पानी में तो क्लियर हुई बात इसके बाद क्लोरीन इज ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन द वॉटर क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए जर्म्स को किल करने के लिए खत्म करने के लिए पानी में ठीक तो अगर हम एग्जाम्पल लें किसका फिटकरी का एलम का तो आप देख सकते हैं ये एक्शन ऑफ एलम ऑन मडी वाटर मान लीजिए एक गंदा पानी है ये डर्टी वाटर है इसमें यहां मड है और क्लीन वाटर वाटर क्या है क्लीन हो जाएगा एलम जो है आपने जो ये फिटकरी यूज की है इसकी वजह से सारी जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे जाकर के जम जाएगी क्लियर हुई बात यहां तक की एक्जैक्टली exactly, बहुत बढ़िया सुधांशु जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने रेखाज मदर एड्स फिटकरी यानी एलम टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू भाई एक रेखा है कोई बच्ची है उनकी जो माँ है वो फिटकरी का फिटकरी नहीं होगी ये फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं तालाब से पानी लाने के बाद उसमें फिटकरी डाल देती हैं रीजन क्या हो सकता है पहला ऑप्शन है सेडिमेंट लाइट सस्पेंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज uh, या फिर चेंज हार्ड वाटर इंटू सॉफ्ट वाटर या फिर किल जॉर्म्स या फिर डी कलराइज वाटर मतलब बताएं एक बार आंसर क्या होगा इसका फटाफट से आंसर करें बहुत बढ़िया सही है सही है हम्म मैम प्लीज क्या क्या बताएं फॉर्मूला बताओ साइंस ही तो मेरा स्पेशलाइजेशन है ईवीएस पढ़ लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की <laughs> बताओ एक बार पढ़ा होगा कभी याद नहीं आंसर कीजिए फटाफट से किल जर्म्स इन वाटर, सिंपल हुआ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दांडी मार्च के बारे में है यानी दांडी यात्रा के बारे में है जो गांधी जी ने की थी कहां से कहां तक अहमदाबाद से दांडी के सी शोर तक यानी कि किनारे तक जो कि गुजरात में है दांडी ठीक ये हुई किसके लिए थी 1930 पूछा हुआ है कि कब हुई थी तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था है ना और ये किसके विरुद्ध में हुआ था या किस बात के लिए हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने लॉ बना दिया था कि जो लोग हैं इंडिया के वो क्या नहीं कर सकते वो बेसिकली सॉल्ट नहीं बना सकते और इवन अपने यूज तक के लिए वो सॉल्ट नहीं बना सकते नमक का उत्पादन नहीं कर सकते और नमक नहीं मिलेगा तो फिर जिएंगे कैसे ठीक तो इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया एक मार्च यानी कि एक यात्रा की बड़ी सी और जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए इस लॉन्ग वॉक में जो कि अहमदाबाद से और दांडी यानी कि गुजरात में है दांडी सी शोर्स के किनारे तक गुजरात में गई क्लियर हुई बात यहां तक कि इस एक लॉ के प्रति क्या किया प्रोटेस्ट किया गया इसके द्वारा तो एक बेसिक बात है गांधी जी ने स्टार्ट किया कुछ लोगों के द्वारा उन्नीस में तो ये दो तीन चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट पॉइंट है एक चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जहां से आपके ज्यादातर नाइन्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन आपके आई जाते हैं कई बार हंड्रेड परसेंट भी आ जाते हैं सीटेट में और इसी को हम कवर कर रहे हैं अप यू गो करके ये बछेंद्री पाल के बारे में बेसिकली ये माउंटेनियरिंग के बारे में है जो पहाड़ पर चढ़ते हैं लोग उसके बारे में है एवरेस्ट के बारे में है तो यहां बछेंद्री पाल एक महिला हैं जिन्होंने बेसिकली जो भारत की पहली यानी फर्स्ट वेमेन ऑफ इंडिया एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड पांचवी महिला बनी विश्व में और भारत की पहली प्रथम वुमेन रही जिन्होंने क्या किया माउंट एवरेस्ट की पीक पर गई जो माउंट एवरेस्ट क्या है हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हम और अठासी सौ अड़तालीस मीटर के आसपास यानी उन्तीस हजार उन्तीस फीट के बराबर की हाइट है माउंट एवरेस्ट की जो कि नेपाल में है ठीक तो ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की पांचवी महिला है ना तो ये एक बेसिक बात है कौन है बछेन्द्री पाल नाम आप याद रखेंगे उत्तराखंड से हैं और इनके बारे में कुछ और चीजें हम अभी जानेंगे अठासी यानी वही डबल बिल्कुल अप्रॉक्स इसको एनसीआरटी में एटी नाइन हंड्रेड मीटर दिया हुआ है तो उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर <clears throat> ज्ञानी नहीं बनना है आपको सीटेट के लिए जितना जरूरी है उतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए और एनसीईआरटी को आप आधार बनाएंगे और प्रीवियस ईयर को बछेंद्री ग्रू अप ग्रू अप इन नकूरी विलेज जो कि नकूरी विलेज कहाँ है गढ़वाल में है उत्तराखंड के अंदर गढ़वाल आपने सुना होगा आ, नकूरी विलेज से है गढ़वाल में है जो कि उत्तराखंड में ठीक यूके है कई लोगों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट नॉट यूनाइटेड किंगडम इट्स उत्तराखंड ठीक वेन शी ग्रो ओल्डर शी ज्वाइंट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है अब आपको अगर इसको पॉइंट बनाना हो एक क्वेश्चन दिया जाएगा स्टेटमेंट जिसको कहते हैं स्टेम कहते हैं और बाकी के आपको डिस्ट्रैक्टर्स दे दिए जाएंगे ए बी सी डी इसमें बता देगा कि भाई जो बछेन्द्री पाल है वो गढ़वाल से है बिल्कुल हाँ, है उत्तराखंड में है ये उन्होंने कौन सा एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया माउंटेनियरिंग के लिए तो उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो कि कहा है उत्तरकाशी में है

क्या क्या किया गया इनको इंक्लूड किया गया इनको सेलेक्ट किया गया क्योंकि हर किसी को तो नहीं करते होंगे ना तो एक बेसिक बात हुई हाँ फ्लार वैली भी उत्तराखंड में है ये हमने डिस्कस किया था किसी एक सेशन में एक्सैक्टली नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को देखो टाइम की समझ बताई गई है इट वॉज सेवन मिनट पास्ट वन ओ क्लॉक एक बज के सात मिनट के बाद दोपहर में तेईस मई को पाल कहां पर पहुंची 8900 मीटर की हाइट पर नवासी मीटर की हाइट पर जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक हुई सागरमाथा कहेंगे जिसको नेपाल में है ठीक तो अब जो पीक है सागरमाथा भी कहेंगे ये भी आप ध्यान में रखेंगे और ये कुछ अगर हम देखें बिल्कुल जो एनसीआर की बात करें तो एटी नाइन हंड्रेड अगर राउंड फिगर में करके देखें वैसे अठासी सौ अड़तालीस हम इसको कह देते हैं ठीक है तो ये एक बात हुई देयर वॉज नो स्पेस फॉर टू पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप अब एक और बात बताई गई है भाई माउंट एवरेस्ट की जो पीक है ना वहां पर दो लोगों के लिए जगह नहीं थी खड़े होने के लिए तो एक एक करके इन लोगों ने आ, किया होगा कुछ इनके साथ एक और टीम, टीम मेंबर थी इनकी बछिंद्री पाल के साथ और ये गई शी बोर्ड हर हैड पिस्ट द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स भाई उन्होंने अपना ऐसे ऐसे बो किया झुक करके और क्या किया जो फ्लैग है अपना नेशनल भारत का उसको फहराया वहां और कुछ फोटोग्राफ्स लिए और 43 मिनट इन्होंने हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड जो कि मतलब दुनिया की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वहां पर 43 मिनट्स उन्होंने बिताए तो ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए एनसीआरटी दिन को रात कहे तो दिन को रात कहिएगा अदरवाइज नंबर कटवा के आओगे ठीक है ये जितने भी रिसर्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे वो रिसर्च काम नहीं आएगी एनसीआरटी काम आएगी पेपर में चाहे वो सिक्स सेवन एट्थ की एस की हो चाहे वो मैथ्स साइंस की हो चाहे वो फिर ईवीएस हो जो अगर मैं बात करूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ की तो काम की चीजें की है अब कुछ कुछ चीजों के बारे में बताया है कि भाई जो ठंड है आप कैसे ये लोग जो हैं जो माउंटेनियरिंग पर जाते हैं किन चीजों का कैसे ध्यान रखते हैं वाइटमिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप इन कूल मतलब कि भाई जो विटामिन है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए आयरन से रिलेटेड जो है चीजें लेनी चाहिए यदि हमें अपने आप को वार्म यानी कि गर्म रखना है सर्दी में जीवित रहना है तो ठीक तो जो लोग माउंटेनियरिंग पर जाते होंगे माउंट जो माउंटेन क्लाइंब करने जाते होंगे जैसे बछिंद्री पाल की भी बात हो रही थी ये लोग क्या लेते होंगे इस तरीके की चीजें लेते होंगे जिसमें वाइटामिन मतलब विटामिन लेंगे ये आयरन जिसमें ज्यादा होगा वो चीजें इस्तेमाल करेंगे टेकला विलेज इज एट दी हाइट ऑफ सिक्सटीन मीटर्स इन झालरा पटन झलवार राजस्थान अब ये एक विलेज के बारे में यहां पे एक छोटी सी लाइन है जो टेकला विलेज है आपका 1600 मीटर की हाइट पर है कहां है ये ये आपका झलवार में है राजस्थान में क्लियर हुई बात हां ऑक्सीजन सिलेंडर और भी कई सारी चीजें दी हुई है एनसीआरटी में मैंने उनको हटा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है पूछा नहीं है कभी और कम ही चांसेस है द एंगल ऑफ आर बॉडी शुड बी नाइंटी डिग्री वाइल्ड क्लाइंबिंग एंड बैक शुड बी स्ट्रेट मतलब जो एंगल है आपका आपने देखा होगा शायद फोटो में नाइन्टी डिग्री एंगल बनना चाहिए जो क्या कहें जब आप चढ़ रहे हैं किसी एक पहाड़ पहाड़ पर और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे नहीं है मेरी तरह आप आराम से खड़े हो है ना तो वहां जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हैं अच्छा इतनी कहानी आज की तो ये कुछ कुछ बेसिक्स थे या कुछ कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आज डिस्कस किया वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका कोई भी विचार हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चीजें समझ आई होंगी आपको बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगी तो वर्ड्स पर मत जाया करो कई बार भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं है ना क्या हुआ किसको गुस्सा आया आद्य राजपूत क्या हुआ मतलब कैसे ऐसे भैंस खुल लिया आपकी खेत काट लिया आपका बताओ एक बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं सत्ताईस लोग देख रहे हैं सॉरी सत्ताईस लोग लाइक कर चुके हैं थर्टी फोर हंड्रेड देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया ऐसे एकाध हजार लोग तो ऐसे गोली चोट साइड हो जाते हैं और बहुत आज का सेशन फुल एनर्जी एंड ह्यूमर जी धन्यवाद बाकी आज <coughs> हाँ बहुत ऐसे सफाई हुई है आज लॉकडाउन में तो मैं थोड़ी सी थकी हुई, हुई हूँ और कल से बढ़िया काम करेंगे डेली कर ही रहे हैं वैसे डिस्कशन डेली चलेगा हाँ आपको खुश देखकर अच्छा लगता है जी धन्यवाद सेम ईयर आप लोगों की भी एनर्जी होती है अपने आप में जो क्रिएट होती है है ना सिंक होती है फिर वो मेरी एनर्जी से और फिर मजा आता है सेशन में बहुत बढ़िया सुमन चलिए फिर हम्म सही है कल मिलते हैं कल मिलते हैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे टेंशन क्यों लेते हो कल मिलेंगे नौ बजे देखते हैं या तो इसके आगे का डिस्कस करेंगे कर या फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कर या कोई और सब्जेक्ट पैडालॉजी है ना टेक केयर बहुत कम टाइम हाँ बट आ, काफी कंटेंट जो है हमने आज डिस्कस किया है ठीक चलिए टेक केयर ध्यान रखिए